महारानी जी, हमारी सती कितनी तेजस्विनी दिखती है। मन करता है इसे देखते ही रहें। इसके सुंदर मुख से आंखें हटती ही नहीं। पता नहीं कहाँ खोई रहती आजकल। आओ देखें कहाँ है। चलो चलो चलो। कौन? यही तो हम सब पूछना चाहती हैं सती, कि कौन है वो जिसके ध्यान में तुम हर समय मग्न रहती हो। मैं स्वयं नहीं जानती रोहिणी। पता नहीं कौन है वो जिसके रूपाकार को देखने की उत्सुकता में मेरा मन सदा खोया रहता है। ये तो बहुत गंभीर समस्या है रोहिणी। सचमुच गंभीर समस्या है। अरे जब उस पुरुष का ही पता नहीं तो उसका रूपाकार कैसे दिखेगा। हाँ हाँ, अब तो पिता श्री दक्ष प्रजापति से निवेदन करना ही होगा कि हमारी सती का स्वयंवर रचा दें। सभी प्रकार के उत्तम पुरुष सती के सामने आकर खड़े हो जाएंगे। अच्छा सती, तेरी नाक को हाँ करने के लिए हम सब पिताश्री से प्रार्थना करेंगे कि तेरा विवाह पिताश्री उसी छवि से करा दें जो तेरे हृदय में बसी है। नहीं। अरे सती, क्या हुआ? कहाँ भागे जा रही है? कहीं नहीं माते। अरे कहीं नहीं सती। इतनी बड़ी हो गई फिर भी बचपना नहीं गया। शक्ति तुम? शक्ति नहीं, मैं सती हूँ प्रभु। तुम तो अपने लौकिक नाम रूप की चर्चा करने लगी। सत्य तो यह है कि तुम ही शक्ति हो, अलौकिक शक्ति, शिव शक्ति। आपकी शक्ति आपसे विलग कैसे प्रभु? शक्ति का शिव से विलग होना संभव ही नहीं। जिसे तुम विलग समझ रही हो वो हमारी व्यापकता है, सर्व व्यापकता। शिव कैलाश में और शक्ति सती रूप में पृथ्वी पर दक्ष के घर, ये कैसी व्यापकता है प्रभु? जगत में सत्य की प्रतिष्ठा के निमित्त इस व्यापकता की आवश्यकता है प्रिय। कारण कि सत्य से ही कल्याणकारी अर्थात शिव रूप जन्म लेता है। इसका ज्ञान मुझे है प्रभु कि सत्य ही शिव का आधार है। हाँ प्रिय, सत्य और शिव से पुनः सुंदर की उत्पत्ति होती है। कारण कि सत्य कभी अशिव अथवा असुंदर नहीं होता। प्रभु ये ज्ञान भी मुझे है कि आपका सत्यम शिवम सुंदरम रूप ही जगत में व्याप्त है। इसका मूल आधार तो तुम ही हो देवी। मैं? यदि शक्ति न होती तो सत्य स्थिर न होता,
शक्ति के कारण ही सत्य की रक्षा होती है, शिवम प्रशस्त होता है और सुंदरम व्यापक होता है। प्रभु, आपने तो सत्यम शिवम सुंदरम का संपूर्ण श्रेय शक्ति को अर्थात मुझे ही दे डाला। सत्य भी यही है, सती या शक्ति से रहित शिव शून्य है। ये भी तो सत्य है प्रभु कि शिव से रहित शक्ति का अस्तित्व भी शून्य है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों में सापेक्षिक संबंध है। स्थिति ऐसी है तो फिर ये अपूर्णता क्यों? अपूर्णता कैसी प्रिय? आप लौकिक रूप में कैलाश पर और मैं लौकिक व मानव देह में दक्ष प्रजापति के घर। मानव देह के कारण मानवीय गुण व कामनाएं भी हमारे साथ हैं देवी, किंतु तुम्हें इस सत्य का ज्ञान तो होगा ही कि हमारा ये लौकिक व अलौकिक रूप तथा जगत की संपूर्ण रचनाएं सत्यम शिवम सुंदरम की रक्षा व निर्वाह हेतु ही हैं। प्रिय, शीघ्र ही लौकिक रूप में हमारा मिलन होगा। सत्यम शिवम सुंदरम की रक्षा हेतु? हाँ देवी, हमारे मिलन हेतु पंचाक्षरी मंत्र का जाप तुम्हारा आधार होगा। पंचाक्षरी मंत्र अर्थात ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बेटी सती, सती उठो, प्रभात हो गया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ये क्या है? ये वो पंचाक्षरी मंत्र है माते, जो मेरा कल्याण करेगा। इस मंत्र की अनुभूति मुझे स्वप्न में हुई थी जब मैं उनके समक्ष खड़ी थी। तुम किसकी बात कर रही हो पुत्री? भगवान शिव शंकर की, वे ही मेरे स्वप्न में आए थे। क्या शिव जी तुम्हारे स्वप्न में आए थे? हाँ माते, उन्होंने मेरे मन की सारी व्यग्रता शांत कर दी। उनसे मिलकर मुझे ये ज्ञान हुआ कि मैं पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिव आराधना करूं, तत्पश्चात ही उनसे मिलन होगा। सती, सती तुम्हारी बात पर विश्वास? मेरी बात पर विश्वास करो माते, ये सत्य है। पार्थिव शिवलिंग द्वारा शिव आराधना करने से ही मुझे मन